नमस्कार जी, कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 5 सितंबर और आपके लिए एक नई वीडियो। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे अमेरिकन बाजार के गिरावट के बीच भारतीय बाजार की प्रतिक्रिया और गेल के शेयर प्राइसेस टारगेट के बारे में, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि 2 सितंबर को अमेरिकन बाजार के प्रमुख सूचकांक डाउ और नेस्डेक में 2 से लेकर 4% तक की गिरावट दर्ज हुई। फेसबुक, गूगल, एडोबे इत्यादि जैसे दिग्गज कंपनियों के शेयर प्राइसेस 4% तक की गिरावट दर्ज किए। भारतीय बाजारों पर भी इसका नकारात्मक असर होना था और उसके दूसरे दिन जब फ्राइडे को, जो हमारे यहाँ पिछला ट्रेडिंग सेशन था, जब मार्केट यहाँ खुला तो उसकी असर यहाँ पर भी देखी गई, लेकिन उसका असर यहाँ कम था। मतलब भारतीय बाजार लगभग 1.5% से थोड़ा ही अधिक गिरावट के साथ बंद हुए। फ्रेंड्स, अगर 4 सितंबर की बात करें तो फिर से अमेरिकन बाजारों में जबरदस्त गिरावट रही है, जिसका असर अब सोमवार को भारतीय बाजारों पर दिखना लाजमी है और बाजार गिर सकते हैं, ऐसा स्वाभाविक लगता है। इसलिए सोमवार को ट्रेड लगाने से पहले किसी भी ट्रेडर को या आप सभी को परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही ट्रेड लगाना है तथा अपने स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। फ्रेंड्स, भारतीय बाजार के इस उठापटक के बीच गेल के शेयर प्राइसेस में कोई खास गिरावट का नहीं दर्ज होना और कोई खास गिरावट नहीं आना गेल के मजबूती को दर्शाता है। जैसा कि आपने देखा भी कि ONGC, IGL या पेट्रोनेट LNG जैसी गैस कंपनियों ने निफ्टी के समानांतर लगभग 1.5% की गिरावट दर्ज की, वहीं गेल लगभग 0.1% या 0.5% के आसपास की गिरावट के साथ अपनी क्लोजिंग दी। तो फ्रेंड्स, गेल से जुड़ी एक खबर आपसे डिस्कस कर लें कि गेल ने पिछले हफ्ते ही अपना एक टेंडर फाइनल किया है, जिसमें उसने PDHPP प्रोजेक्ट उसार महाराष्ट्र के एग्जीक्यूशन के लिए इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को लगभग 450 करोड़ रुपए का ठेका दिया है, जिससे नए प्रोजेक्ट को 48 महीनों के अंदर पूरा किया जा सके और गेल के कार्य क्षेत्र को एक नया विस्तार मिल सके। फ्रेंड्स, अब एक बार इसके रिटर्न्स, इसके की मैट्रिक्स, इसके टारगेट को जानने से पहले हम इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट को देख लेते हैं कि वर्तमान समय गेल में निवेश करने के लिए माकूल है या अभी हमें इंतजार करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम अगर इसके इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की बात करें तो यहाँ पे जो लिख रहा है इंट्रेंसिक वैल्यू के लिए, तो वहाँ करंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रेंसिक वैल्यू, तो अभी जो इसकी प्राइस है वह इंट्रेंसिक वैल्यू से कम है, तो ये निवेश के लिए उचित समय है। रिटर्न्स वर्सेस FD रेट, तो फ्रेंड्स यहाँ लिख रहा है कि स्टॉक हैज बीन जनरेटिंग बेटर रिटर्न ऑन इक्विटी देन बैंक FD। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अपनी इसकी एक हिस्ट्री जो है वो ये है कि यह बैंक के FD रेट से अधिक का रिटर्न जनरेट करता है। फ्रेंड्स, डिविडेंड रिटर्न्स के ऊपर इसका कमेंट्री है कि स्टॉक ऑफर्स गुड डिविडेंड रिटर्न्स, और एंट्री पॉइंट के लिए फ्रेंड्स दे रहा है कि गुड टाइम टू कंसीडर एज स्टॉक इज नॉट इन ओवरबॉट जोन, और फ्रेंड्स नो रेड फ्लैग, यहाँ स्टॉक नॉट इन ASM/GSM लिस्ट, नॉट ए लॉट ऑफ प्रोमोटर होल्डिंग इज प्लेस्ड एंड डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी इज लो। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो दे रहा है कि इसकी इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट इसके महत्वपूर्ण 5 बिंदुओं पर विचार करके यह बता रहा है कि अभी इसमें निवेश किया जा सकता है, कंपनी अच्छी है, किसी प्रकार की डिफॉल्ट होने का कोई खतरा नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये रही इसकी इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट। अब इसके की मैट्रिक्स को देख लें तो आप देखेंगे कि PE रेशियो 6.67 की है, PB रेशियो 1 की है। अब फ्रेंड्स, PB रेशियो 1 का मतलब ये हुआ कि यह अपने बुक वैल्यू के प्राइस पर मिल रही है, तो फ्रेंड्स बहुत ही फेयर प्राइस है, और डिविडेंड यील्ड 6.52% लगभग 7% का है, जबकि फ्रेंड्स आपको पता है कि जो बैंक के फिक्स डिपॉजिट्स हैं उसमें भी लगभग 6% से अधिक का रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिल रहा। अब फ्रेंड्स, इसकी सेक्टोरल PE की बात करें तो 12.88 है, और सेक्टोरल PB की बात करें तो 1.35 है, और सेक्टोरल डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 3.79% है। तो फ्रेंड्स, इससे ये पता लग रहा है यह अपने सेक्टर की कंपनियों से किफायती दरों पर मिल रही है और यह अपने सेक्टर की कंपनियों से अधिक डिविडेंड भी देती है। फ्रेंड्स, अब इसमें जो एनालिटिक्स हैं
उनका क्या कहना है उसको एक बार देख लें। तो यहां हम देख रहे हैं कि इस कंपनी के ऊपर टोटल 38 एनालिस्ट ने एनालिसिस किया है, जिसके 84% एनालिस्ट का कहना है कि सजेस्टेड इन्वेस्टर कैन बाय दिस स्टॉक। तो इसमें से आउट ऑफ 38 84% एनालिस्ट कह रहे हैं कि इसमें निवेश करने का बहुत उचित समय है। फ्रेंड्स, इसके टारगेट को जानने से पहले एक बार इसके कारोबार की स्थिति को एनएससी की वेबसाइट पर देख लें। तो यहां देखेंगे कि पिछले ट्रेडिंग सेशन में इसकी जो प्राइस की क्लोजिंग हुई वो 98 की हुई और एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस 98.05 का रहा। फ्रेंड्स, इसके ऑर्डर बुक को जो देख करके लग रहा है सेलिंग क्वांटिटी 15,154 शेयर की लगी हुई है, बाइंग क्वांटिटी नील है। और फ्रेंड्स, अगर ट्रेडेड वॉल्यूम की बात करें तो एक ह्यूज क्वांटिटी 1,37,74,665 शेयर की टोटल ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से 52,80,924 शेयर की डिलीवरी भी हुई है। फ्रेंड्स, अगर परसेंटेज ऑफ डिलीवरी की बात करें तो 38% से अधिक का एक स्ट्रांग डिलीवरी हुई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ इसके ऑर्डर बुक ओवरऑल देख करके ये लग रहा है कि इसमें निवेशकों का लॉन्ग टर्म में नजरिया बुलिश है, अच्छी डिलीवरी उठाई जा रही है, अच्छे क्वांटिटी में ट्रेड हो रहे हैं, लेकिन सेलिंग क्वांटिटी का होना बाइंग क्वांटिटी का नहीं होना यह बता रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं मुनाफा वसूली का प्रेशर भी साथ साथ बना हुआ है। फ्रेंड्स, इसके प्राइस मोमेंट को अगर प्राइस चार्ट पे देखें तो आप यहां देखेंगे कि इसकी RSI की वैल्यू 49 के आसपास है, जो न्यूट्रल पोजीशन बता रही है। और फ्रेंड्स, इसके MACD की स्थिति को देखें तो MACD भी लगभग न्यूट्रल पोजीशन बता रही है। फ्रेंड्स, यह अपने 50 दिनों, 100 दिनों और 200 दिनों तीनों ही एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है और कल की जो क्लोजिंग भी हुई है वो 50 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे हुई है। तो फ्रेंड्स, अब हमें इसमें क्या करना चाहिए? तो फ्रेंड्स, मेरे जो एनालिसिस के हिसाब से, मेरी समझ से, और ये बिल्कुल मेरी समझ है इसलिए आप इस समझ से बिल्कुल डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन मेरी समझ यह कहती है कि 95 के आसपास इसकी एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। तो हमें 94 के आसपास अपनी एक स्टॉप लॉस लगा लेनी चाहिए, ताकि अगर यहां से किसी भी कारण से, चाहे वो अमेरिकन बाजार में गिरावट के कारणों से या किसी अन्य निगेटिव कारणों से प्राइस में कहीं से भी गिरावट आती है, तो हमारा मुनाफा और हमारी पूंजी प्रोटेक्ट हो सके। और फ्रेंड्स, इस प्राइसेस से इसमें अगर निवेश करते हैं तो इसकी जो नजदीकी रेसिस्टेंस होगी वह 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगभग 106 के बराबर होगी। तो तत्काल में हमारी जो टारगेट होगी शॉर्ट टर्म की वह भी 106 रुपए की होगी। वैसे प्रभुदास लीलाधर का कहना है कि 108 का टारगेट भी आप रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से नए निवेशक इसके वर्तमान प्राइसेस से निवेश कर सकते हैं इसमें अपना, लेकिन उनको अपना स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को 94 के आसपास रखना चाहिए। फ्रेंड्स, अब एक बार इसके हम प्राइस टारगेट को देख लेते हैं कि आज का निवेशित मनी हमारा एक साल के बाद किस स्थिति में होगा। तो आज अगर हमने 98.05 रुपए का निवेश किया तो हो सकता है कि इसमें 11.72% की गिरावट आ जाए, और फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा निवेश हो सकता है कि 86.55 रुपए के वैल्यू के आसपास अगले एक साल में रह जाए। और फ्रेंड्स, यह भी हो सकता है कि 35% का इसमें बाउंस बैक हो और उस परिस्थिति में हमारा जो 98 रुपए का निवेश है वह 132.37 रुपए हो जाए। और फ्रेंड्स, एक तीसरी परिस्थिति यह बनती है कि 107.71% लगभग 108% का पॉजिटिव रिटर्न हो, और फ्रेंड्स ऐसी परिस्थिति में सितंबर 2021 तक हमारा 98 रुपए का निवेश 204 रुपए हो जाए। तो फ्रेंड्स, यह रहा हमारी रिस्क रिवार्ड रेशियो। तो फ्रेंड्स, इस रिस्क रिवार्ड रेशियो को कंसीडर करते हुए, मद्देनजर रखते हुए, मेरे इस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के आधार पर आप अपनी एक स्टडी करें, एक रिसर्च करें, और उस रिसर्च और उस स्टडी के आधार पर ही कोई निवेश संबंधी फाइनल निर्णय लें। और फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट्स करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।